कृपया ध्यान दीजिए, रेल बॉय आयुष एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर यूट्यूब पर आ चुकी है। भारतीय रेलवे में स्टेशन के नाम काफी सिंपल होते हैं। जो भी वो लोकल एरिया है, गांव है, शहर है, बस उसका नाम उसे दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में भी कई सारे सफिक्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो स्टेशन के नाम के आगे लगाए जाते हैं कई एरियाज में। जंक्शन, सेंट्रल, पीएच, कैंट, छावनी, ये सफिक्सेस का मतलब क्या है, क्यों नामों के आगे नहीं लगाया जाता है, इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले टाइप ऑफ स्टेशन के नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके के सफिक्सेस के साथ, वो है सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन बेसिकली वो स्टेशन होता है जो किसी भी शहर का बिजी स्टेशन है उस शहर के अंदर, जहाँ पर मल्टीपल दूसरे रेलवे स्टेशन हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कलकत्ता, इन सारे शहरों के अंदर आपको मल्टीपल बड़े रेलवे स्टेशन देखने मिलेंगे और इनमें से जो सबसे बिजीएस्ट एंड महत्वपूर्ण है वो बनता है सेंट्रल स्टेशन। जनरली जब पहले के जमाने में स्टेशन बनाए जाते थे उसके बाद में छोटे छोटे स्टेशन सिटी के आउटस्कर्ट्स में बनते थे, लेकिन क्योंकि ये स्टेशन बन गए तो वहां पर अर्बन डेवलपमेंट होता था, बिल्डिंग्स आ जा रही थी, लोग रहने लगते थे, तो होता ये था कि लोगों में कंफ्यूजन होता था कि किसी शहर में जब वो आ रहे हैं तब उसका मेन स्टेशन क्या है, और इसके लिए जो एक्चुअल मेन स्टेशन है उसके सामने सेंट्रल का नाम दिया जाने लगा। देश में करेंटली 5 सेंट्रल स्टेशन है जो कि है मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। अगले टाइप का जो नाम हमें देखने मिलते हैं स्टेशन के आगे वो है रोड, जैसे कि नासिक रोड, भिवपुरी रोड, इस तरीके के स्टेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब रेलवे स्टेशन डायरेक्टली उस शहर को कनेक्ट नहीं करता बल्कि उसके पास में ही किसी टाउन विलेज को कनेक्ट करता है, लेकिन उस शहर के लिए वो मेन रेलवे स्टेशन के तौर पे ही काम करता है। उस टाइम पे इन स्टेशन के आगे रोड लगा दिया जाता है क्योंकि ये एक्चुअली शहर का स्टेशन नहीं है, लेकिन जो शहर के लिए पहुंचने वाला मेन रास्ता है वो इसी स्टेशन पे से जाएगा। डलहौजी रोड, बिलासपुर रोड, अबू रोड, ये भी ऐसे ही कुछ रोड नेम वाले स्टेशन है। अगला है जंक्शन। ये सबसे ज्यादा वाइडली नोन स्टेशन होते हैं। ये आप सब जानते हो जंक्शन क्यों कहलाए जाते हैं, जब 3 सेपरेट रूट्स रेलवे के आकर मिलते हैं एक रेलवे स्टेशन के ऊपर तब वो जंक्शन बनते हैं। मे बी सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जुड़े, मे बी सेंट्रल और ईस्टर्न रेलवे जुड़े, ऐसे कॉम्बिनेशन के जगह पर जो स्टेशन बनते हैं जहां पर ट्रेन डायवर्ट या कन्वर्ज हो सकती है वो जंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि कल्याण जंक्शन, पटना जंक्शन, ये सब। अगला जो टाइप ऑफ स्टेशन होता है वो है टर्मिनल स्टेशन। नाम टर्मिनल से समझ में आपको आता ही होगा कि ये ऐसा है जहां पर टर्मिनेशन होता है, लाइन खत्म हो जाती है। जनरली जब आगे लाइन बनाई नहीं जाती, कोई साइड में बनाया हुआ स्टेशन हो या समुन्दर या कोई और दूसरा स्टेशन अगर आता हो बॉर्डर वगैरह, उस समय पर टर्मिनल स्टेशन बनाए जाते हैं। ट्रेन इसके आगे नहीं जाती, जो ट्रेन किसी एक डायरेक्शन में अंदर जाती है उसी डायरेक्शन में ये बाहर आती है, और ये भी जनरली काफी बड़े स्टेशन होते हैं। भारत में आपको आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, बांद्रा टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल, इन जैसे कई टर्मिनल देखने मिलेंगे। अगला जो टाइप ऑफ स्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है वो है कैंट या छावनी। कैंट एक्चुअली कंटोनमेंट, इस शब्द का शॉर्ट क्या हुआ फॉर्म है। बेसिकली दोस्तों जहां पर भी हमारे डिफेंस फोर्सेस, मिलिट्री का कोई बहुत बड़ा कैंप होता है या ऐसा स्टेशन होता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेस स्टेशन हो, वहां पर इस तरीके के कैंट स्टेशन बनाए जाते हैं। बेसिकली दोस्तों ये वो स्टेशन है जहां पर दिक्कत के दौरान या फिर जनरल डिफेंस पर्पसेस के दौरान भी बहुत बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स, स्क्वाड ट्रांसफर, ट्रूप मूवमेंट, हमारे जवानों का ले आना जाना, उनके सामान का ध्यान रखना, और स्पेशली वॉर के दौरान इन स्टेशन की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है। हमें दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, आगरा कैंट, इन जैसे कई स्टेशन देखने के लिए मिलते रहते हैं। अगले जो टाइप ऑफ स्टेशन होता है वो है हॉल्ट स्टेशन या पीएच स्टेशन, यानी पैसेंजर हॉल्ट स्टेशन। जनरली ये बहुत छोटे गांव बस्तियों के पास में बनने वाले स्टेशन होते हैं जहां पर ट्रेन, स्पेशली पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ऐसी ट्रेन नहीं रुकती, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन रुकती है क्लियर लाइन बेसिस पर। क्लियर लाइन बेसिस होता क्या है, जनरली ट्रेन अगर यहाँ पे गुजर रही है तो वो रुकेगी नहीं, अगर जो अगली रूट है वो क्लियर नहीं है तो ही वो ट्रेन रुकेगी। अब क्लियर का मतलब यह है कि बेसिकली उनको ग्रीन सिग्नल होना चाहिए अगले स्टेशन या पटरी के अगले हिस्से में पहुंचने के लिए, अगर ट्रेन के पास परमिशन है तो जनरली ये ट्रेन नहीं रुकेगी हॉल्ट पर। लेकिन कई सारे पैसेंजर ट्रेन जो होते हैं उनके शेड्यूल स्टॉप्स के अंदर हॉल्ट स्टेशन को इंक्लूड किया जाता है, तो जनरली पैसेंजर ट्रेन रुकती है, लेकिन जरूरी है कि वो रुके। अगर स्टॉप शेड्यूल्ड है तो वो रुकेगी, अगर स्टॉप शेड्यूल्ड नहीं है तो वो रुक भी सकती है, नहीं भी रुक सकती है, और इसके लिए जो टाइम टेबल है इसलिए चेक करना जरूरी होता है जब भी आप हॉल्ट स्टेशन के ऊपर उतरने की तैयारी करो तब। ये हमें जनरली इतने देखने के लिए नहीं मिलते, काफी कम जगह पे देखने मिलते हैं, एक्सटीरियर एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं जहां के पॉपुलेशन इतनी नहीं है और शहरों के जैसे स्टेशन ये नहीं होते। और ये रहे वो सारे के सारे रेलवे स्टेशन के टाइप जो आपको भारत में देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।